हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में रिव्यू करने वाली हूं एक पोर्टेबल स्विंग मशीन का, जो कि बिल्कुल स्टेपलर के साइज़ का है, लेकिन है बहुत काम की चीज़। इससे आप जो छोटे मोटे जो सिलाई के काम होते हैं, रिपेयर वर्क होते हैं, वो आसानी से कर सकते हैं। और आपको स्विंग मशीन अगर नहीं भी चलानी आती है तो भी आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुझे इस टाइप की पैकिंग में मिला है ये, और ये काफ़ी छोटी सी पैकिंग है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम है। तो मैंने तो ये ऑफलाइन लिया है, लेकिन ऑनलाइन भी मिलता है। अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। ये आप देख सकते हैं कि स्टेपलर जैसा स्विंग मशीन है, और साथ में ये थ्रेड के लिए थ्रेड डालने के लिए है। और उसके अलावा ये एक दो और चीज़ें इसके साथ आई, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी। पहले तो मैं इसको स्विंग मशीन को बाहर निकाल लेती हूँ। ये इस तरीके की है, बहुत छोटी सी है, बिल्कुल स्टेपलर की तरह, जैसे हम हाथ में आराम से इसे रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल देखने में भी स्टेपलर की तरह ही है। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको थ्रेड कैसे लगाना है। जैसे थ्रेड के लिए यहाँ पे साइड में ये बना हुआ है, ये इस टाइप का, तो ये जो एक स्क्रू के सहारे ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसको हमें पहले निकालना है, और उसके बाद ये इस टाइप की छोटी सी रील है, ये हमें लगाना है। आप चाहे किसी भी कलर का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें वाइट कलर का लगा हुआ आया था, तो मैं वो लगा रही हूँ, और बड़ी रील भी हम इसमें लगा सकते हैं, अभी आपको बताऊँगी। और इसके ऊपर इस टाइप का स्क्रू सा लगा हुआ है, उसको हमें निकालना है पहले, और उसके बाद ये छोटी वाली रील, इसको एग्जैक्टली नाम मुझे नहीं याद आ रहा, इसको हम लगाएंगे। और उसके बाद जैसे ये साइड में इसके ऊपर की तरफ दो वायर के इस टाइप से होल्स हैं, इसके थ्रू हमें धागा इंसर्ट करना है इस तरीके से। ये पहले होल के थ्रू गया धागा, उसके बाद दूसरे, और ये हो चुका है। उसके बाद ये जो रिंग सा है, उसके ऊपर से हमें धागा निकालना है, ये इस तरीके से। और ये ध्यान रखें कि अगर इसके ऊपर से धागा नहीं आप लगाएंगे तो फिर ये सही से चलेगा नहीं, सिलाई सही से नहीं होगी। उसके बाद नीडल में आप थ्रेड डाल सकते हैं, और आप चाहे तो उसके लिए थ्रेड डालने के लिए एक साथ में मिला हुआ है, लेकिन आप चाहे तो आराम से ऐसे भी डाल सकते हैं। और ये धागा इसके ऊपर का निकल गया, इसको मैं लगा देती हूँ। ये वीडियो एक्चुअली मैं थोड़ा स्लो इसलिए दिखा रही हूँ, क्योंकि जो लोग मतलब नया यूज़ करेंगे तो उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो। कई लोगों को जिनको पहले से आता होगा तो उनके लिए हो सकता है कि वीडियो थोड़ी स्लो लगे उन्हें। और ये यहाँ से आप सिलाई छोटी बड़ी आप कर सकते हैं इस तरीके से। छोटा अब छोटी सिलाई करना चाहें तो इसको टाइट कर लीजिए, और बड़ी सिलाई करना चाहें, ज़्यादा गैप पे करना चाहें, तो उसको ढीला कर लीजिए। उसके बाद कपड़ा लगाने के लिए हमें इस तरीके से इसको हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, और ये आराम से ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है। अब ये हमने इसमें धागा लगा लिया है, उसके बाद ये छोटी रील है, ये निकले ना, उसके लिए ये जो स्क्रू है ये हमें ऊपर से फिट कर देना है इस तरीके से। अब ये रील फिक्स हो गई, अब ये निकलेगी नहीं, बिल्कुल हिलेगी नहीं, हम आराम से निश्चिंत होकर सिलाई कर सकते हैं। और इसमें मैंने अभी छोटी रील लगाई है, धागा कम ही लगाया। और ये मैं ग्रीन कलर का साड़ी का फॉल के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ, ताकि धागा वाइट कलर का रहेगा तो आपको एग्जैक्टली दिखेगा कि सिलाई कैसी हो रही है। अब इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाया मशीन का, और उसके बीच में ये कपड़ा लगाया, और उसके बाद इसको सिलाई करनी है, ऐसे स्टेपलर की तरह इसको ऐसे प्रेस करना है, और कपड़े को बहुत ही जेंटली हल्का हल्का खींचना है अपनी तरफ। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कपड़ा बहुत ज़्यादा जोर की ना खींचे और बहुत ज़्यादा स्लो ना खींचे। और ये जो धागा हमने थोड़ा सा छोड़ा था एंड में, वही धागा अंदर की तरफ चला गया था, उसको मैंने निकाला है। ये इस तरीके से, जैसे मैंने अभी छोटी सिलाई पे कर रखी है, थोड़ा टाइट कर रखा है ऊपर, तो इस तरीके की सिलाई आ रही है, ये बिल्कुल मशीन की सिलाई जैसी। और दूसरी साइड जो ये आ रहा है, इसका बैक साइड पर जैसे चेन स्टिच हम करते हैं एम्ब्रॉयडरी में, तो ये उस टाइप का है ये।
और ये मतलब काफ़ी मजबूत है, जैसे मशीन की सिलाई मजबूत होती है बिल्कुल उसी की तरह से मजबूत है। और इसको हमें निकालना कैसे है मशीन से, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अब ये जैसे कि यहाँ तक हमने सिलाई कर ली, उसके बाद हम इसके धागे को जो ऊपर हमने धागा लगा रखा है इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे ताकि बार बार हमें सुई में धागा ना डालना पड़े। जहाँ तक आपको चाहिए आप खींच लीजिए, उसके बाद सुई के नीचे से धागे को किसी कैंची के सहारे इस तरीके से आगे करके काट लेंगे ताकि हमें कुछ और सिलना हो तो हमें बार बार सुई में धागा नहीं डालना पड़े। अगर उस कलर का है धागे से हो जाएगा तो हमें वैसे ही, उसके बाद हम एक सिंगल प्रेस करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। ये हो चुका है। और उसके बाद लॉक करने के लिए इसको, ये जो पीछे इस टाइप से है इसको हमें खींचना होता है, ये आगे इस टाइप से पीछे चेन स्टिच है। और चेन स्टिच का एक ये डिमेरिट होता है कि उसको लॉक नहीं करेंगे तो खुल जाएगा। और ये सुई डालने के लिए जो हमें साथ में मिला है तो मैं उसकी हेल्प से ये जो इस टाइप का है पीछे की तरफ ये एक लूप सा है तो उस लूप को आगे की तरफ ऐसे खींच के ये हमने ये नॉट टाइप का लगा देना है। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हम काट लेंगे। तो ये जो स्टिच है ये पूरी तरीके से लॉक हो चुकी है और अब ये सिलाई नहीं उधड़ेगी। और उसके बाद जो इस साइड भी हमने शुरू में एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको भी हम कट कर लेंगे। तो ये हो चुका है, ये मशीन की सिलाई की तरह बिल्कुल। और अभी मैंने वाइट धागा लगाया है इसलिए ये इस तरीके से। और ये मैंने साड़ी फॉल में दिखाया तो ताकि आपको लाइट और डार्क कलर से एकदम पता लग जाए धागा वाइट कलर का है तो। और ये आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका है तो ये खुलेगा नहीं। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ लॉक किस तरीके से करना है। ये पीछे वाला धागा आगे खींचना है इस तरीके से, सीजर से भी खींच सकते हैं। उसके बाद जैसे कई बार ये होता है कि हमें टाइट सिलाई चाहिए, इससे भी छोटी सिलाई चाहिए तो हम इसको ज़्यादा टाइट कर देंगे। और अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे सिलाई चाहिए, थोड़ा मोटा कपड़ा है तो हम बड़ा उसको कर सकते हैं, थोड़ा ढीला कर सकते हैं। और कुछ लोग गलती एक जो करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सिलाई कर ली उन्होंने, जैसे मैं भी आपको बता देती हूँ सिलाई लगा के, और जो अगर जैसे लॉक हमने सही से नहीं किया तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि कई लोग इस टाइप की मशीन ले लेते हैं लेकिन उन्हें लॉक नहीं करना आता जो बैक साइड को, तो वो परेशान रहते हैं कि ये मशीन ख़राब है या काम नहीं कर रही है या पैसे हमारे वेस्ट हो गए। तो जैसे मैंने यहाँ तक ये सिलाई कर ली, और ये सिलाई भी जैसे शुरू में आपको एक आध बार टाइम लगेगा इसकी प्रैक्टिस में, क्योंकि अगर आप कपड़ा बहुत तेज से खींच लेंगे या कपड़ा स्लो खींचेंगे, मतलब कपड़ा खींचने की रफ्तार एक जैसी होनी चाहिए। और जैसे हमने पहले निकाला था धागा इस टाइप से, हमने थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा लेके इसको कट कर लेना है। और उसके बाद इसको हमने एक सिंगल प्रेस करना है, ऐसे दबाना है और इसको ऊपर करके हम कपड़ा निकाल लेंगे। अगर हम पीछे वाले को हम लॉक नहीं करें, जैसे ये पीछे लूप है ये, तो इसको हम किसी चीज़ से हम अगर खींचे ना आगे की तरफ, ये आप देख सकते हैं जो एंड में जो पीछे की तरफ जो लूप एक बना रह जाता है उसको हमने खींचना होता है, मतलब आगे वाले धागे को हमने पीछे खींच के एक गांठ जैसी बन जाती है वो लगाना होता है। इसमें हम नहीं लगा रहे तो आप देखिए क्या होता है, ये जो आगे वाला धागा है जो फ्रंट साइड वाला उसको हम ऐसे हल्का सा खींचेंगे, ये पूरी इसकी पूरी सिलाई निकल जाएगी। और यही गलती अक्सर लोग करते हैं, जिस वजह से वो उन्हें लगता है कि ये मशीन मतलब टाइम वेस्टेज है। और ये देखिए ये जो मैंने लॉक किया था, और उसके बाद आप चाहें तो जैसे आपको बड़ी रील लगानी हो ज़्यादा सिलाई के लिए आपको चाहिए तो उसमें आप बड़ी रील भी लगा सकते हैं, उसका भी ऑप्शन साथ में दिया गया है। आप इस धागे को निकाल लीजिए। और मोस्टली लोग इस टाइप की चीज़ें रिपेयर वर्क के लिए ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा सिलाई के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि ये सूटेबल है उसके लिए। तो फिर जो नॉर्मल मशीन आती है वही आपको रखना चाहिए। उसमें इस टाइप का एक अटैचमेंट दिया गया है तो यहाँ पर आपने इसको लगाना है, ये इसमें ऐसे घुमा के फिक्स हो जाएगा। उसके बाद जो हम नॉर्मल जो धागा सिलाई के लिए यूज़ करते हैं, अगर ज़्यादा आपको सिलाई के लिए चाहिए तो उसमें आप लगा के रख सकते हैं। जैसे मैंने एक वाइट कलर का ही धागा लिया, जो धागे की रील होती है जो नॉर्मली हम सब यूज़ करते हैं वो मैं इसमें लगा रही हूँ। और उसके बाद
इसको भी सील करने के लिए, मतलब ये भी हिले ना अपनी जगह से, उसके लिए भी एक अटैचमेंट सा दिया गया है इसके साथ। ये प्लास्टिक का है, ये इस तरीके से इसको लगाना है और बहुत इजीली लग जाता है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो रील इधर उधर घिस सकती रहेगी। ये इस तरीके का ढक्कन जैसा है, ये लोहे वाले में फिक्स हो जाता है और रील आराम से मूव कर सकती है। और इससे क्या होगा कि रील निकलेगी नहीं और आप आराम से सिलाई कर सकेंगे। इसको भी सेम उसी तरीके से हमने, जैसे हमने लगाया था रील पूरा धागा, सेम उसी तरीके से हमने लगाना है मशीन में, सुई वगैरह में, जैसे मैंने अभी लगा के दिखाया आपको। ये इस तरीके से बहुत इजी है, ये हो चुका है। और आप चाहे तो जैसे कि पर्दे वगैरह जैसे टंगे रहते हैं, अगर सिलाई उधड़ जाती है, कई बार ऐसा होता है ना, जो पर्दे हमने लगा रखे हैं हैवी होते हैं और नीचे से थोड़ी बहुत सिलाई उधड़ गई, तो ये देखिए 2 करीब 2 इंच तक ये अंदर को कपड़ा ले सकता है। और उसके अलावा भी अगर पतला कपड़ा है तो इसको थोड़ा सा मोड़ के और ज़्यादा अंदर को आप थोड़ा सा सलवट पड़े कि आप डाल सकते हैं, बाद में वो सीधा हो जाता है। इस तरीके से आप सिलाई कर सकते हैं, तो मतलब ये आसान काम हो जाता है। जैसे पर्दे वगैरह की सिलाई नीचे से उधड़ गई है तो फिर आपको उनको पर्दों को उतार के मशीन में सिलने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको ऐसे सिल सकते हैं। जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह में थोड़ी बहुत सिलाई उधड़ गई है तो टेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, बड़े मशीन निकालने की जरूरत नहीं है। ये हो चुकी है, ये काफ़ी मतलब इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, कभी भी यूज़ कर सकते हैं, इसे हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं। अगर कहीं आप जाते हैं सफ़र वगैरह में, कुछ सिलाई वगैरह किसी कपड़े की उधर जाती है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है और इसे हर कोई चला सकता है। और इसके साथ सुइयाँ मिलती हैं, ये नीडल्स मिलते हैं, तो इनको चेंज करने के लिए आगे ये इस टाइप का बना होता है, ये इसको निकाल के ऐसे खोल के और सुई लगानी होती है। ये बहुत इजी है, जैसे मशीन में लगाते हैं सेम उसी तरीके से होता है। तो इसके साथ एक दो सुई अटैचमेंट मतलब साथ में मिलती है मशीन के साथ, और चाहे तो आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं। इसकी सुई जो मशीन की नॉर्मल सुई होती है उससे थोड़ी सी छोटी होती है, जैसे अगर सुई टूट जाती है, मुड़ जाती है सिलाई करते समय, तो आप चेंज कर सकते हैं। और सुई का जो फ्लैट वाला पार्ट है वो आगे की तरफ फ्रंट में होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। थैंक यू, बाय।